अभी तक सिर्फ 200 करोड़ की सहायता केंद्र से पहुंची है। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमें 10,000 करोड़ का पैकेज हिमाचल के लिए प्रदान करने की कृपा करें। कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के केंद्रीय नेता ये कह रहे थे कि केंद्र जो है वो सहायता नहीं कर रहा है। जिस दिन से आपदा आई है उस दिन से ही केंद्र सजग है। हिमाचल प्रदेश की तबाही की ओर मैं पूरे देश का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। वहाँ की तबाही के बारे में लोगों को पता नहीं। 12,000 घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, सारी सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, हाईवे बह गए हैं, हर व्यक्ति परेशान है। अब तक करीब 330 लोग शव बरामद हो चुके हैं और 35 लोग लापता हैं और लगातार अभी भी बारिश का कहर जारी है। केंद्र सरकार को इसमें जो है हर रोड बनवाने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, जो नितिन गडकरी जी से हमारे मुख्यमंत्री जी मिले थे, इसके बाद वित्त मंत्री से मिले थे, प्रधानमंत्री जी से मिले थे, गृह मंत्री जी से मिले थे, अभी तक सिर्फ 200 करोड़ की सहायता केंद्र से पहुंची है। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमें 10,000 करोड़ का पैकेज हिमाचल के लिए प्रदान करने की कृपा करें। मैं भी पढ़ रहा था कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के केंद्रीय नेता ये कह रहे थे कि केंद्र जो है वो सहायता नहीं कर रहा है। जिस दिन से आपदा आई है उस दिन से ही केंद्र सजग है। 10 कंपनियां SDRF की जो है वो प्रदेश को भेजी गई, 3 हेलीकॉप्टर भेजे गए, यहाँ तक कि केंद्र से हमारे केंद्रीय नेता श्री जगतप्रकाश नड्डा जी, श्री अनुराग ठाकुर जी और प्रदेश के विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, इन्होंने जो है वो प्रदेश का दौरा किया और 665 करोड़ अलग अलग किस्तों में जो है वो प्रदेश को भेजा। स्वयं नितिन गडकरी जी आए, नितिन गडकरी जी ने भी यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया कि जितने भी नेशनल हाईवे और इसके साथ जो भी हमारे इंडियन रोड भी हैं उनको भी NHAI जो है वो बनाएगी। और इसके साथ साथ केंद्र की टीम भी यहाँ पर पूरा जायजा लेकर के गई, यहाँ तक कि करीब 1200-1300 करोड़ रुपया और अन्य इसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो इसमें सहायता की गई। लेकिन कांग्रेस का ये नकारात्मक रुख वो इस करके कि जब भी आपदा आती है तो हमेशा अपनी नाकामियों का ठीकरा जो है वो दूसरे के सिर पर फोड़ने का काम जो है वो कांग्रेस करती रही है। नकारात्मक राजनीति आपदा में नहीं होनी चाहिए, सहयोग की राजनीति इसमें चाहिए।